who thinks about biryani in the mid of wedding or you guys think that too? ये किसने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर के नीचे लिखा होगा? सबूर. कैसे इतनी जल्दी कैसे गेस कर लिया आपने? सबूर को बिरयानी अच्छी लगती है. हाँ हाँ, दैट्स अ फेवरेट फूड. हाँ, तो काफ़ी आप लोग खाने वाने जाते थे? खाना तो हम लोग सुबह शाम इसी तरह ही साथ ही होते हैं. सामने आमने सामने रहते हैं. अच्छा, यू गाइस लिव इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. फिर तो बहुत मजा आता होगा. इतना सामने कि हम लोग एक दूसरे, हमारा कमरे भी सामने, इधर वाली साइड पे मेरा, उधर वाली साइड पे उसका, तो कभी कभी हेलो हाय कर देते. तो ओके, अच्छा ये तस्वीर किसने पोस्ट की होगी? तो सबूर का कोई वो किस्सा नहीं? हाँ बिल्कुल सुनाई. मैंने कहा आप सुना नहीं रही थी, मैं चली गई. मैंने कहा मैं क्या पूछ कर, प्लीज सुनाई. दिस वाज द क्यूटेस्ट. तो सबूर का ये है कि ना, मेरा ये है कि जब मैंने शूट के लिए उठना होता है तो मैं पूरा टाइम पे उठती हूँ. मुझे पता है कि मैंने 15 मिनट की मेरी ड्रिल है कि फेस वॉश करना, कपड़े को करने हैं, या फिर जल्दी से 5 मिनट वाला शावर लेना है, कपड़े पहनने और नीचे पहुँच जाना है. तो वो सुबह 7-8 बजे उठ जाती है और वो उठते साथ कॉल कर देगी आपको जब उसका दिल चाहेगा. तो ये पहली दफ़ा हुआ तो मैंने उठा लिया, शायद कोई मुश्किल में या कोई बात होगी, मैंने उठाया. हाँ क्या कर रही हो? चलो आओ नाश्ता करने जाते हैं. मैंने टाइम देखा 7 बज रहे हैं. कहते दिमाग ठीक है, 7 बजे कौन जाता है? तो ना अच्छा नहीं नहीं चलो चलो मैं लेने आ रही हूँ. तो मैं भी उठ गई. मैंने कहा चलो चले जाते हैं. फिर एक दिन मैं सो रही, फिर दोबारा कॉल आई, मैंने फिर उठा ली. 8 बज रहे थे. क्या कर रही हो, अभी तक सो रही हो? मैंने कहा हाँ, तो मेरा शूट 12 बजे है तो मैं आराम से उठूंगी. तो तुमने कॉल क्यों की, क्या सब ठीक है? हाँ ऐसे ही कॉल कर दी. मैंने कहा क्या ऐसे ही कॉल कर दी? अब ये कोई मेरे साथ 4-5 दफ़ा हुआ. उसके बाद मैंने उसका नंबर अब रोज़ाना रात ब्लॉक करके जाती हूँ, ब्लॉक करके सोती हूँ कि ये बंदी सुबह उठ के मुझे कॉल कर सकती है. और एक दिन क्या हुआ कि मैंने नंबर बंद किया हुआ था, नहीं रात में मुझे हुआ कि यार मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी छुट्टी पहली आई है तो मुझे कोई कॉल ना कर दे. ऐसे ही दिमाग में उसका नहीं था, मैंने फ़ोन ही ऑफ कर दिया. तो वो क्योंकि आप ब्लॉक कर भी दो नंबर तो वो व्हाट्सएप पे कॉल आ जाती है. ओके. तो मैंने नंबर वो फ़ोन बंद कर दिया अपना. मैं उठी आराम से 1 बजे, फ़ोन खोला तो ना मैसेज आया, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तुमने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन बंद था, ये वो इस तरह का. तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतना कॉल करके उसको वो चढ़ाया. मैंने कहा ये चीज़, मैंने कहा बंद कर दिया था, अच्छा किया, मुझे पता था तू कॉल करेगी सुबह सुबह. और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में उसका नंबर ब्लॉक करना भूल गई और उसने मुझे सुबह 8 बजे कॉल की. मैंने नींद में देखी, नींद तो ख़राब हो गई, मेरी नींद ख़राब हो जाए मैं दोबारा सो नहीं सकती. लेकिन मैंने उठाई नहीं कॉल. अच्छा। उससे मैं नहीं उठाई, मैं इंस्टाग्राम पे गई. अब सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखना था तो उस पर मैसेज आया, मुझे पता था तू उठ गई. ये और साथ आ रहे नीचे ना मुझे चढ़ाने वाले सारे. और उसके बाद वो जो कॉन्वर्जेशन हम दोनों की, और हम दोनों की कॉन्वर्जेशन भी ऐसी होती हैं कि मुझे बोल रही है एक दिन, सुनो अगर मैं मर गई तो मैं तुम लोगों को याद आऊँगी. मैंने कहा नहीं तू नहीं मरेगी इतनी जल्दी, 60 तक तो जाएगी, तो इतनी जल्दी नहीं मरोगी तुम. तो ना फिर मुझे कहती नहीं अगर मैं मर गई तो. मैंने कहा तो फिर हम आएंगे कब्र पे? मैंने कहा हम लोग कब्र पे आएंगे. और फिर मुझे कह रही है तो बीच में स्किप करते हैं हम, कहती है ना, और ना फिर मैं कब्र से हाथ निकाल के तुम्हारे पाँव पकड़ लूंगी. और मैंने कहा मैं तेरे पाँव पे जोर जोर का मार के भाग जाऊंगी. हमारी कॉन्वर्सेशन, यू गाइस आर ट्रू फ्रेंड्स, हम लोग तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया कि मैसेजेस पे बातें कर रहे हैं. और ये मैंने एक आवर को भी सेंड किए थे स्क्रीनशॉट्स कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो गया हमें. अब एक और हमारे सेगमेंट होता है जिसमें यू प्रिटेंड इफ यू वेक अप एज, जब आप उठी हैं सुबह तो आप किंजा नहीं है, ठीक है, आप इमरान अशरफ हैं. सो व्हाट विल यू डू? मैं तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू एज इमरान अशरफ, या पहली चीज आप क्या करेंगी नोइंग इमरान अशरफ, या क्या कुछ भी आंसर दे सकती हैं इसका? मैं आई थिंक ज्यादा इंटरव्यूज दूंगी अगर मैं इमरान अशरफ होंगी. गुड आइडिया इमरान. हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है. इतनी अच्छी बातें करता है, इतनी अच्छी बातें करता है, और ना उसकी टाइमिंग्स इतनी अच्छी हैं कि ना मुझे अच्छे लगते हैं उसके इंटरव्यूज, बहुत डीप बातें. सबसे अच्छी बात ये कि वो अपने फैंस को जितना अप्रिशिएट करता है बहुत अच्छा लगता है मुझे. दैट्स ट्रू. इफ यू वेक अप एज इकरा अजीज, फिर मैं ये करूँगी कि मैं यासिर से बोलूँगी कि यासिर कुछ मत लिखना इंस्टाग्राम पे. ओके. अच्छा, इफ यू वेक अप एज आतिफ असलम, मैं नया गाना रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं लाइव सेशन करूँगी, उसमें मैं गाऊँगी, गाती रहूँगी पूरा दिन. दैट्स नाइस. एंड इफ यू वेक अप एज शेख रशीद, तो मैं पेट भर के नाश्ता करूँगी
वो जो हलवा पूरी और इस तरह के नाश्ते हैं वो जाके करूँगी और खूब खाऊंगी, पूरा दिन खाती रहूँगी. ओके, इफ यू वेक अप एज एमन. एज एमन तो वो छोटू है ना, उसको मैं ढेर सारी लाडियाँ करूँगी, प्यार करूँगी, इरिटेट करूँगी, बस ये चीज़ होगी. ओके, मुझे बताएं इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन है क्या? इतने साल काम करने के बावजूद और माशाल्लाह से इतने ड्रामे लेने करने के बावजूद भी आपको फील होता है कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आना थोड़ा सा स्ट्रगल है, और ये कि सर्वाइवल जो है उसको या अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करना एक चैलेंज होता है? ये चैलेंज तो है और स्ट्रगल तो हर जगह है. आप कहीं पे भी काम करेंगे स्ट्रगल तो है. और रही बात स्क्रिप्ट्स की, तो कंपटीशन बेसिकली, कंपटीशन मुझे लगता है कि अगर आप समझें तो है, नहीं समझें तो नहीं है. हर किसी की अपनी जगह है. अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट को भी उठा दूँगी. कोई किसी को अच्छी स्क्रिप्ट मिली है और उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट को भी गिरा देगा. तो मुझे लगता है कि अपने टैलेंट पे बिलीव करें और ये कंपटीशन से निकल जाएं. क्योंकि जो काम आपको मिल रहा है आप वो अच्छे से करें. आने वाले डेज में जब नए लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे तो वो इंस्पायर हों आपके काम से. उनको नहीं पता होगा कि आपका कॉम्पिटिशन चल रहा था यहाँ पर. आप लोग सब माशाल्लाह से जो, क्योंकि ये हमारी ऑफ कैमरा भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे लगा था कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है. आप लोग सब फ्रेंड्स हैं जिन सबके हम अभी नाम ले रहे थे, मोर लेस यू नो एक एज ग्रुप के जो लोग हैं. तो जब स्क्रिप्ट्स आते हैं कभी प्रेशर फील होता है या कभी दिल में होता है कि अच्छा यार ये तो उसको ऑफर हो गया, फ्रेंड को या किसी जानने वाले को या एक्स वाई जेड को इंडस्ट्री में, ये मेरे पास क्यों नहीं आया, ये प्रेशर फील होता है या दिल में दुख होता है, गुजरती है किन्जा इस? अच्छा, मुझे किसी भी फीलिंग से, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरी सबसे दोस्ती है अजीका से, सबूर से, एमन से, मिनाल से, फिर इसी तरह और भी काफ़ी नाम है, कोमल अजीज़, काफ़ी इस तरह के नए नाम हैं जिन सबसे मेरी दोस्ती है. और अब आके ये हो गया है कि हमें स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट ऑफर होती है हम लोग एक दूसरे को कॉल करके बताते हैं. जैसे अगर किसी ने कहा कि हाँ ये स्क्रिप्ट आपको भी गया और ये किसी और को भी हमने किया है, या किसी से पता चल जाता है कि हाँ ये आपसे पहले किन्जा को गया था तो उन्होंने नहीं किया तो अब आपको हम भेज रहे हैं, तो फिर वो कॉल आती है कि तुमने क्यों नहीं किया, क्या मसला हुआ. अच्छा ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात होती है. और ये अब ना मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ हो गई है, एक तरह से कंसल्ट कर रहे हैं आप लोग कि हम सब आपस में दोस्त हैं और अब हम उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेके जा रहे कि यार ये चीज़ इसको मिल गई है, बल्कि खुश होते हैं कि यार तुम अच्छा, हाँ कि तुम अच्छा काम कर रही हो, ये चीज़ अच्छी आ रही है. बुरी होती है तो वो भी बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, ये मत करना. तो ये जो एडवाइस करना और एक दूसरे से जेलसी नहीं रही अब हम लोगों में, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है. एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. और यही है कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबूर अच्छा काम कर रही है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद क्या नाम है, मिनाल अच्छा काम कर रही है, एमन अभी स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो जो चीज़ें कर रही है वो बहुत अच्छी चीज़ें कर रही है. तो मुझे लगता है कि हम सब ये एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं. तो आपका इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड भी नहीं है किन्जा, कोई जानने वाला भी, कोई एज सच यू नो गाइडेंस के लिए भी नहीं था, और आप खुद भी बड़ी यंग एज में आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की और फिर अकेले भी बड़ी आप यंग एज में आपने स्टार्ट किया और अभी भी मतलब मोर लेस यू मेड इट ऑन योर ओन टिल हियर. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ डिग्निफाइड इन द इंडस्ट्री? कैसे मेंटेन करती हैं कि एक सर्कल, एक बाउंड्री बनी है उसको कोई क्रॉस नहीं करे? और जैसे आपने अम्मी अबू के ट्रस्ट की भी बात की, क्या एफर्ट होती है, क्या करती हैं टू मेक श्योर के एक किन्जा की जो एलिगेंस है और किन्जा का की जो एक रिस्पेक्ट है वो और प्राइड जो है वो हमेशा मेंटेन? अच्छा सवाल है ये आपका. जब मैंने काम शुरू किया था तब तो इतना काम कर रही थी कि टाइम ही नहीं था दोस्तियों का, मिलती ही नहीं थी. अब आकर जब टाइम है थोड़ा बहुत, अभी भी नहीं है लेकिन दोस्तियाँ हो गई हैं, मिल रही हूँ लोगों से, तो हंसी मजाक हर चीज़ अपनी जगह पे है. लेकिन जब मुझे लगता है कि लिमिट जो है वो थोड़ी सी आगे हो गई है या क्रॉस हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहीं पे मैं स्टेप बैक कर लेती हूँ. तो मेरी ये आदत बचपन से है कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को इज्जत दे रही हूँ तो मैं रिटर्न में इज्जत मांगती हूँ कि आपको इज्जत करना है मुझे. तो आई थिंक कि इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा पहले से ही सेंसिबल थी तो वो अभी तक चल रही है. और थोड़ा सा ये कि मेरी फ़नी साइड सबको पता है,
लेकिन मेरी जो दूसरी साइड है जो कि फनी के बिल्कुल ऑपोजिट है वो भी सबको पता है. ओके तो वो सब देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो है इसमें लेकिन दूसरी सख्त भी है उतनी.